नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का 15वां दीक्षांत समारोह चल रहा था, उसमें राज्यपाल जो है पहुंचे थे। उसके बाद मगध यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं वो राज्यपाल से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, और देख सकते हैं किस तरह से जब वो मिलने की कोशिश कर रहे हैं अपने रिजल्ट की मांगों को लेकर के, तो उन्हें प्रशासन किस तरह से रोक रही है, उन जो बैरिकेडिंग है उससे बाहर नहीं जाने दे रही है। जो प्रशासन है देख सकते हैं किस तरह से उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, और छात्र फिर भी जो है मिलने की कोशिश कर रहे हैं। हम छात्र से ही जाने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मामला है, क्या कुछ उनके साथ व्यवहार किया गया। हमारे साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया बिहार पुलिस और राज्यपाल के जो गुंडे हैं, बिहार सरकार जो गुंडे हैं जो पुलिस के तौर पे काम कर रहे हैं, यहाँ हम लोग के साथ जानवरों के साथ व्यवहार किया गया। हम लोग इनसे मिलने जा रहे थे, मिला नहीं गया। राजभवन भी मिलने जाते, लोग बोलते हैं कि राजभवन जाके मिलो, राजभवन मिलने जाते वहाँ मिलते नहीं है। तो एक जगह नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह मना रहे हैं, वही मगध यूनिवर्सिटी में 10 से 12 लाख छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। 10 से 12 लाख छात्र जो है पार्ट 1 और 2 के रिजल्ट के लिए ललायत है, लेकिन फिर भी राज्यपाल को औकात नहीं हुआ कि जाके राजभवन में मगध यूनिवर्सिटी में जाकर हम लोग का समस्या का समाधान करे। क्या हुआ आपके साथ जब मिलने जा रहे? हम जब गवर्नर से मिलने जाते हम लोग को पकड़ के, ऐसे हम लोग क्रिमिनल है, वहाँ पे पुलिस पकड़ के हम लोग को वैसे फेंक रही जैसे हम लोग क्रिमिनल है। हाँ, महिला पुलिस और जेंट्स पुलिस दोनों पकड़े हैं, और दोनों पकड़ के गर्दन पकड़ के ऐसे ऐसे हम लोग मर, हम लोग क्रिमिनल है क्या कि हम लोग मर जाएंगे तो हम लोग कौन देखने आएगा? ये देखने आएंगे हम लोग जो पकड़ के आप बैठे हुए शिक्षा सात साल का डिग्री, आप उनको गवर्नर को ना साल मानना चाहिए, साल से मर जाना चाहिए, उनकी सात साल का डिग्री, आप तीन साल का डिग्री सात साल में कम्प्लीट नहीं करवा रहे, दूसरे बच्चे को गोल्ड मेडल पहनाएंगे, यही शिक्षा व्यवस्था है आपका? हम लोग जहाँ पे भी जा रहे हैं हम लोग को रूल रेगुलेशन बताया जा रहा है, तो ये भी तो रूल है कि 3 साल का डिग्री 3 साल में मिलना चाहिए। क्या करें, हमें आत्महत्या कर ले तब जाकर डिग्री मिलेगा मेरा। इसी बीच जो है छात्र अभी गांधी मैदान के पास हैं, और बगल में ही राज्यपाल प्रोग्राम कर रहे हैं। छात्र से जानेंगे, ठीक है, सबसे पहले वो क्या लिखे हुए, मगध विश्वविद्यालय का लंबित रिजल्ट प्रकाशित करो। एमयू छात्र क्या मांग कर रहे हैं राज्यपाल से, क्या चाह रहे हैं? अब हम राज्यपाल से, बिहार सरकार से यही चाह रहे हैं कि जिस गांधी मैदान में हम आकर अपनी समस्याओं को हल करने के लिए मीडिया के सामने बातों को रख रहे हैं, वही बापू सभागार में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का डिग्री बांट रहे हैं, और वही मगध यूनिवर्सिटी बिहार की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ लाखों की संख्या में जो छात्र हैं उनका पार्ट 2 का रिजल्ट नहीं आया, पार्ट 1 का रिजल्ट नहीं आया, 17-20 सेशन जिनका है उनका अभी तक स्नातक फाइनल नहीं हुआ है, वहाँ 17-20 सेशन उनका 7 साल हो गया है, 18-21 वाले को 5 साल से क्रॉस कर रहा है, उनका रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ है। हम लोग जब भी बड़ा प्रदर्शन करते हैं राजभवन घेरते हैं, शिक्षा मंत्री को घेरते हैं, और शिक्षा मंत्री को इस बात को समझना चाहिए कि जिस कॉलेज में प्रोफेसर है वो मगध यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, वो औरंगाबाद के कॉलेज में प्रोफेसर है, और वो क्या बोलते हैं कि 14 महीना से तुम लोग का रिजल्ट रुका है और 4 महीना रुको, वाह शिक्षा मंत्री, वो शिक्षा मंत्री बनने लायक नहीं है। समाधान यात्रा पे तो क्या लग रहा है? उस शमशान यात्रा पर, शमशान यात्रा कोई यात्रा नहीं, मगध यूनिवर्सिटी को छात्रों को समाधान यात्रा पर आते तो समाधान करना चाहिए ना, हम लोग को प्रॉब्लम हम लोग का है, और जिसको समाधान करना चाहिए उनको समाधान कर ही ना रहे हैं। समाधान तो हम लोग का करना चाहिए, गया जाते हैं तो कभी भी मगध विश्वविद्यालय में गए नहीं गए हैं। क्या अभी तक रिजल्ट नहीं है? नहीं, रिजल्ट क्या, रिजल्ट तो पिछले ही साल 14 महीना पहले हम लोग का एग्जाम हुआ है, और 14 महीना हो गया, हम लोग 14 महीना से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, सिर्फ हम लोग को आश्वासन मिलता है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो आप सुन रहे थे छात्रों का, जिनका कहना है कि हमें सिर्फ डिग्री दे दीजिए, नौकरी तो बाद में मिलेगी, लेकिन सबसे पहले हमें डिग्री दीजिए। जिस तरह से आप समाधान यात्रा पर निकले हैं, आपका कुर्सी का मोह माया है और कुछ नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, कमलेश कुमार, देशवा न्यूज़ पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।